नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उज्जैन में नर्मदा नदी के किनारे लगे पौधों की तर्ज पर शिप्रा नदी के आसपास भी पौधे लगाए जाएंगे। कलेक्टर और कमिश्नर ने शिप्रा किनारे पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 4 करोड़ रुपए का फंड वन विभाग को जारी किया है। नदी किनारे पौधे लगाने से पर्यावरण को काफी फायदा होगा, साथ ही हरियाली और नदी के कटाव को रोकने में मदद मिल सकेगी। इसके लिए एक चौकीदार भी रखा जाएगा जो 3 साल तक पौधों की देखरेख करेगा। आज अपने पौधारोपण में आज आप गए थे, क्या कितने पौधे लगाए जाएंगे, कौन इसमें सहयोग कर रहा है, कितने इसमें पौधे लगाने की लक्ष्य रखा गया? देखिए, संभागायुक्त महोदय ने जब मैंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने हमेशा ये बोला था कि शिप्रा के किनारे प्लांटेशन पर ध्यान देना चाहिए, और उसी क्रम में अलग अलग समय बैठकें हुई। और अभी रिसेंटली जो शिप्रा शुद्धिकरण न्यास की पेटी महाकाल मंदिर में है, उसके 46 लाख हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं DFO साहब को, फॉरेस्ट को, जिन्होंने पूरी प्लानिंग तैयार की है। 3.5 करोड़ रुपए अमृत फंड में प्लांटेशंस के लिए नगर निगम के पास आए हुए थे। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज़ आज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।